बात अब सलकनपुर की कर लेते हैं, जहां विजाशन मंदिर में भाजपा नेता की पत्नी ने नियमों की धज्जियां उड़ाई है। सीहोर के भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय की पत्नी बैग लेकर माता के गर्भगृह के अंदर वीआईपी दर्शन करने पहुंची। बताया जा रहा है कि ये बैग चमड़े का है, जो मां के दरबार में बिल्कुल वर्जित है। मामला सामने आने के बाद उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। वहीं साधु समाज भी इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि किसी भी वस्तु या बैग का ले जाना प्रतिबंधित होना चाहिए। जिले के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनके परिवार से कोई है जिनके हाथ में बैग दिखाई दे रहा है? शायद लेदर का बैग है या रेगजिन का, ये क्लियर नहीं है। पर मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर ट्रस्ट प्रशासन को, व्यवस्था को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, गर्भागृह में इस तरह के पर्स, इस तरह की चीजें वर्जित होना चाहिए। हमारे भोपाल के पास में माता रानी सलकनपुर देवी जी का मंदिर है, जो भव्य मंदिर है, माता रानी का सुंदर भवन बना हुआ है। किसी भी प्रकार के चमड़े के का सामान, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो पर्स हो, अभी अभी एक देवी जी का एक फोटो किसी ने हमको भेजा और वो चमड़े का पर्स लेके माता रानी के गर्भगृह में प्रवेश कर रही थी, तो ये चीज अनुचित है।